लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन ए दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज अ वर्टिकल टावर स्टैंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एक वर्टिकल टावर खड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंड इज समाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट सिक्स मीटर उसके ऊपर टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा रखा है जिसकी हाइट है सिक्स मीटर देखिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर टावर खड़ी हुई है और इसी के ऊपर यहाँ पे एक फ्लैग लगाया हुआ है ये एक फ्लैग हो गया ये हमारी यहाँ तक थी टावर आगे देखिए आगे क्या कह रहा है फ्लैग है हमारा सिक्स मीटर का तो हमने यहाँ लिख दिया इसकी हाइट है हमारी सिक्स मीटर राइट आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज थर्टी डिग्री कह रहा है अ पॉइंट ऑन द प्लेन प्लेन के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज थर्टी डिग्री जो बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ के है थर्टी डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका मतलब यहाँ बॉटम एंगल ऑफ एलिवेशन जो फ्लैग के बॉटम है ये वाला है फ्लैग का बॉटम उससे एंगल जो ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो थर्टी डिग्री बन रहा है तो हमने यहाँ बना दिया थर्टी डिग्री क्लियरली कह रहा है फ्लैग के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन जो फ्लैग के बॉटम पे बन रहा है वो थर्टी डिग्री बन रहा है राइट right? आगे क्या कह रहा है देखिए एंड दैट ऑफ़ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज सिक्सटी डिग्री और फ्लैग स्टाफ के टॉप पर सिक्सटी डिग्री का एलिवेशन बन रहा है तो ये हमारा बना दिया हमने सिक्सटी डिग्री बना दिया आगे क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें इस टावर की हाइट निकालनी है तो ये मान लीजिए ये हमने एच मान लिया तो हमें एच निकालना है तो हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी हो गया राइट और हमने हाइट मान ली लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर हो गई हाइट अब हम कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी को तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी अब हमें परपेंडिकुलर और बेस कॉमन है इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी राइट right? तो हम परपेंडिकुलर और बेस से ही लेके करेंगे अगर हमारा हाई कॉमन होता तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लेते अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है तो हम परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा ऑब्वियसली टेन डिग्री टेन लगेगा और इस पूरे एंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था थर्टी तो थर्टी टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू क्या होता था पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस और पर्पेंडिकुलर क्या है हमारा बी और बेस है हमारा ए अब टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती थी वन अपॉन रूट थ्री होती थी वन अपॉन रूट थ्री परपेंडिकुलर हमने h माना है देखिए यहाँ पे h माना है इसको h मीटर लिख दीजिए और बेस हमारा ए बी है तो हमने बेस कुछ नहीं माना है ए बी ही माना है इससे हमारी ए बी की वैल्यू निकल जाएगी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी कितना आ गया ए बी आ गया रूट थ्री इन टू एच दैट इज रूट थ्री एच आ गया राइट right? अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे कौन सा ए बी और डी सॉल्व करने के लिए तो इन ट्राइंगल ए बी डी लिया तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो हम परपेंडिकुलर और बेस के लिए टेन का ही फार्मूला लगाएंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन अब की बार है सिक्सटी डिग्री राइट ये पूरे ट्राइंगल का देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे तो वो कितना है सिक्सटी डिग्री एक बार फिगर ठीक से बना लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये हो गया हमारा बी डी अपॉन ए बी अब बी डी कैसे निकलेगा देखिए बी डी हमारा किस किस को ऐड करके बनेगा बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी कह सकती हूँ मैं तो बी डी आया हमारा बी सी प्लस सी डी अब बी सी कितना आया हमारा बी सी हमने एच माना था और सी डी हमारा था सिक्स देखिए बी सी हमारा एच था और सी डी हमारा सिक्स तो ये आ गया अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो टेन सिक्सटी डिग्री कितना था हमारा रूट थ्री रूट थ्री इक्वल्स टू तो बी डी आ गया एच प्लस सिक्स और ए बी कितना आ गया देखिए ए बी हम यहाँ से ले लेंगे रूट थ्री एच तो हमने लिखा उसको रूट थ्री इन एच अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा रूट थ्री की मल्टीप्लीकेशन थ्री एच में तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एच प्लस सिक्स इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच तो ये कितना आ गया दैट इज एच प्लस सिक्स इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एच हो गया अब एच की वैल्यूज एक साइड और नॉन एच वैल्यूज एक साइड तो ये आ गया सिक्स इक्वल्स टू थ्री एच माइनस एच तो ये कितना है सिक्स इक्वल्स टू टू एच तो एच की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स अपॉन टू दैट इज़ थ्री आ गया तो हाइट ऑफ टावर निकालनी थी तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारी दैट इज थ्री मीटर इज द आंसर